था नहीं, वो सिस्टर थी, छोटा वाला भांजा था। वही मैं दोपहर में 1 बजे या 1:30 बजे खाना खा के चला गया। उसके बाद 2 बजे के आसपास बगल वाले घर से 4-5 लड़के छत के रास्ते से नीचे आए और सिस्टर के साथ छेड़छाड़ की और तोड़फोड़ की घर में। और उसके बाद सिस्टर ने शाम को मम्मी से बताया कि मम्मी ऐसी ऐसी बात है, रोती रही, बताती रही। और फिर मम्मी ने कहा ठीक है, अच्छा मैं इनके घर पर शिकायत करूँगी। तो इनके घर पर कोई था नहीं, सब पार्टी में गए हुए थे। मंडे को आके शाम को शिकायत की गई तो उनके घर, उनकी मम्मी उल्टा मेरी सिस्टर के ऊपर आरोप लगा रही थी कि तुम्हारी लड़की गलत है, उसको डांटो, उसको समझाओ, और यही सब बोले थे। उतने मम्मी बाहर ही बैठी हुई थी, तो सिस्टर आग लगा ली। कैसे लगी ये अभी मैंने तो 4 से 5 लोग उसके दोस्त लोग थे लड़के के, घर के बगल में रहते हैं। कंप्लेन नहीं की थी उससे पहले, हमने कहा पहले शिकायत कर दें, अपने बच्चे हैं उनको समझाएं। तो उन्हें समझाने के बजाय वो उल्टा मेरी बहन के ऊपर आरोप लगा रही थी। सुधा क्या घटना हुई है, किसके साथ घटना हुई है? या के साथ क्या हुआ था? आग लगा दी नी, अरे या आज 4-5 पूरी बात बताइए अपनी, क्या बात है? अच्छा इतवार के दिन 4-5 लड़का अंदर घुसिया, घर है कोई नहीं था, हम लोग ड्यूटी पे थे। हमें जब घर आए शाम को 5 बजे, तब बताई हमका रो रो के कि मम्मी इनके लड़का सब अंदर आए थे, सब तोड़ फोड़ मचाई, यह नाचा बस वो ठीक करी ने। जब उनसे कही जाके तब मैं लड़ने लगी हमसे, हम उल्टा गलत इल्जाम लगा दी। लड़के कौन थे? मुसलमान के बगल के घर के। क्या नाम, क्या नाम है उनका? तो लड़का के नाम यार इल्जाम नाम है बस, अब ये नहीं मालूम दो लड़का बड़े बाकी सब छोटे हैं। क्या करती थी आपकी लड़की, पढ़ती थी? स्कूल जाती थी, कल तक स्कूल गई है, कल स्कूल से आई है, सुबह चली जाती थी, वही 1:30 बजे स्कूल से आती थी। कार्रवाई अब कुछ नहीं, वही कार्रवाई अब कुछ नहीं है। आरोप किस पे है, किस पे आरोप लगा रही है? हमें आरोप होनी पे है पूरी पूरी सबका, और मैं कोई से कुछ नहीं, और मैं घर ना कोई आए ना जाए। कितने लड़के थे? 4-5 लड़का बता रही थी, जिनका पहचान थे उनका बता दी नाम, और जो उनके दोस्त रहा उनका नहीं पहचान थी, तो कही अपने दोस्त का लेंगे। लड़की का प्रिया, लड़कों के ऊपर आरोप नाम बताया उनका क्या नाम है? बता तो रहे लड़कन का सिर्फ नाम मालूम है, बाकी नहीं मान ले। भाई जाहिद जावेद, जाहिद जावेद।